जी स्पेस है जो कि थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अदानी ग्रीन यहाँ पर आप देखिए करीब 3.25% की तेजी, एक शार्प अप मूव था, हल्की सी मुनाफा वसूली फिलहाल शुरू होती हुई दिखी है। रुचित, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे एट करंट लेवल्स। अडानी ग्रीन नो डाउट यहाँ पे ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है, हम कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन थोड़े से मोमेंटम रीडिंग्स पे भी अगर नजर डालें तो मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट जोन में आ गए हैं रिसेंट रैली के बाद में। तो मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग्स के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। जनरली जब इतने ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग्स आते हैं तो इधर एक प्राइस वाइज करेक्शन या तो फिर एक टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत होती है, और आने वाले समय में आई थिंक नो या दोनों में से कोई भी एक फेज ऑफ करेक्शन अडानी ग्रीन का स्टॉक देख सकता है। तो डोंट गो फ्रेश लॉन्ग्स, इन केस अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है किसी के पास तो 2800 रुपए का एक सपोर्ट बेस है, तो 2800 के नीचे स्टॉप लॉस रखे अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर और पोजीशंस में बने रहे। आई थिंक रिलेटिवली अडानी पोर्ट्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, जिसमें हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैग ब्रेकआउट का पैटर्न आते हुए देखा था, और इवन आज की ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलो बाइंग हमको वहाँ पे अडानी पोर्ट्स में नजर आया है। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अडानी ग्रीन से दूर रहने की सलाह दूंगा फ्रेश बाइंग के लिए, बट ये अडानी पोर्ट्स में अगर कोई थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है फिर से तो यहाँ पे अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की जा सकती है। क्लियरली राय अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर नजर आते हुए शार्प अप मूव्स यहाँ पर लगातार दिख रहे हैं। इस बीच एनर्जी स्पेस थोड़े सी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। टाइम